हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में। हम आपको बताने वाले हैं कि अपार कार्ड क्या है, अपार कार्ड का फॉर्म कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या दिया रहेगा, क्या क्या आपके स्कूल में जमा होगा, कहाँ पर जमा होगा, किस लिए, ये सभी प्रक्रिया आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें अपार कार्ड क्या है। तो अपार कार्ड बिहार बोर्ड के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा लाया गया एक नीति है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपके सारे सर्टिफिकेट होते हैं ना, वो सारे को एक में कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपके आधार कार्ड से, सिंपल भाषा में बोले, आधार कार्ड से आपके अपार कार्ड को ज्वाइन कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद पता है अपार कार्ड कहां, मतलब कहां पर आप लोगों को जमा करना है। तो अपार कार्ड जमा करने के लिए आप लोग सबसे बढ़िया उपाय है, जिस स्कूल में पढ़ते होंगे ना, उसी स्कूल में ये जमा हो रहा है, तो वहां पर जाकर आपको इसको जमा करा देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी बता रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगेगा, अपने माता का आधार कार्ड लगेगा, अपने पिताजी का आधार कार्ड लगेगा, और आपका आधार कार्ड लगेगा, और एक अपार कार्ड का फॉर्म लगेगा, ठीक है। अगर आप अपार कार्ड का फॉर्म आपके पास नहीं है तो किसी गाँव के साइबर कैफे के पास चले जाएगा, वहां पर मिल जाएगा। अगर उनके पास भी नहीं है तो स्कूल में मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्कूल में भी नहीं है तो आप हमको ना SMS कीजिएगा, ठीक है। कहाँ पर कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमको ना इसका PDF चाहिए या फिर मतलब फॉर्म चाहिए, हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर अब क्या क्या लगेगा, तो आपको आधार कार्ड में फॉर्म में क्या फिलअप करना है, तो देखिए फॉर्म में फिलअप करना है, अपना नाम करना है, ठीक है। एक आइडेंटिटी करना है, आइडेंटिटी में आप लोग आधार दे सकते हैं, ठीक, आधार कार्ड या पैन कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड है तो आप लोग आधार कार्ड को दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए आधार कार्ड नंबर लिख देना है, इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिख देना है या फिर माता का नाम लिख देना है, और यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको करवाना है, ठीक है। सिग्नेचर करवाने के बाद आपको स्कूल में ले जाना है, प्रधानाध्यापक को देना है, वहाँ पर वो सिग्नेचर करके वेरीफाई कर देंगे कि ये मतलब आपका ही है कि नहीं, और इसके बाद वो स्कूल के माध्यम से नेट पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होगा, आपके चाहे 10th के सर्टिफिकेट हैं, 12th के सर्टिफिकेट हैं, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है, तो वो आपके अकाउंट के साथ। देखिए इस सर्टिफिकेट का बेनिफिट के बारे में बताएं तो क्या है, देखिए इसका बेनिफिट अपार कार्ड का यही है ना कि आपके आधार कार्ड से ना अपार कार्ड लिंक हो जाएगा, ठीक है। आप जहां भी अब जाएंगे ना तो सर्टिफिकेट का कोई काम नहीं रहेगा, बस एक आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। और आधार कार्ड लेने के बाद आपको आधार नंबर दे देना है, आप देंगे तो डिजी लॉकर नाम का एक एप्लीकेशन होता है जहां से आपका सारा सर्टिफिकेट को आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल एक मिनट में। आपके 10th के मार्कशीट हो गए, 12th के हो गए, अगर BA की हैं तो BA के सर्टिफिकेट सारे हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के, ठीक है। और इसके बाद आपका फाइनल ईयर के भी हो जाएंगे, अगर आप BA किए हैं, DL किए हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट सारा आपको यहां पर प्रोवाइड मिल जाएगा, ठीक है। इसी का आधार कार्ड का फायदा है, आपको कहीं भी अपना डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घर में सेफ रख दीजिएगा, और एक आधार कार्ड लेकर जाइएगा तो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो निकल जाएंगे, ठीक है। कब तक बनकर रेडी हो जाएगा, तो देखिए अभी तो जो बिहार की गवर्नमेंट है ना, तो अभी ये प्रक्रिया चला रही है, तो लगभग ये प्रक्रिया आपका ना लगभग 2 से 3 महीने तक आराम से चलने वाला है, ठीक है। आप 2 से 3 महीने के अंदर जाकर आप फिलअप करवा लीजिएगा, ठीक है। अब इसका अभी लास्ट डेट निकला नहीं, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो हो सकता है 1 साल भी चले, 1.5 साल भी चले, 2 साल भी चले, ठीक है। तो आप लोग जाकर इसको आराम से काम करवा लीजिएगा। क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, हम आपको बता दिए, माता का, माताजी का आधार कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड, खुद का आधार कार्ड, और एक फॉर्म लगेगा आधार कार्ड का, फॉर्म आधार कार्ड का फॉर्म लगेगा, तो आप जाकर इसको फिलअप करा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।